अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडानिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या होती है और इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। तो पहले देखते हैं इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन एक स्टेटमेंट होती है जो हमें ये बताती है कि स्टेटमेंट में जो दो साइड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, और इक्वेशन में जो इक्वालिटी का साइन होता है वो दोनों साइड्स की इक्वालिटी का शो करता है कि दोनों बराबर हैं। तो इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है जी? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट that both sides are equal. For example, मेरे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है जी 3 + 7 + 2 = 12। अभी मैंने प्रूव करना है, देखना है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल होंगी तो इक्वालिटी का साइन हम ऐसे लगा रहने देंगे। अगर इक्वल होंगी तो इक्वालिटी का साइन ऐसे लगा रहने देंगे। अगर इक्वल नहीं होंगी तो हम इक्वालिटी के साइन को नॉट इक्वल कर देंगे। अब राइट हैंड साइड को तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल डिजिट है। इसमें तीन डिजिट्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। 7 में पहले 3 प्लस करते हैं 10, प्लस 2 एज इट इज लिख दिए 12, राइट हैंड साइड एज इट इज। अब आगे इन दोनों को प्लस किया तो क्या आता है आंसर 12। इट मींस इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमें ये बताती है कि इक्वालिटी का साइन के दोनों साइड्स इक्वल है। इसके बाद आता है जी डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? डिग्री को अगर देखें तो इस वर्ड का मतलब है दर्जा बंदी। लेवल। अब डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है? किसी भी इक्वेशन में उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको उस इक्वेशन का दर्जा बोलते हैं, उसको उस इक्वेशन की डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, द हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन इन एन इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जी मेरे पास 7x की पावर 9 + 2x पावर 8। फॉर एग्जाम्पल 7x पावर 9 + 8x की पावर 8 - 7x की पावर 7 + 2x की पावर 6 - 3x की पावर 5 + 2x की पावर 4 - 3x की पावर क्यूब + 2x² + x - 1। अब ये इतनी बड़ी इक्वेशन लिखती है तो वो पूछ रहे हैं कि डिग्री ऑफ इक्वेशन का है। आपने जस्ट देखना है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो है 9। तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी है? 9।
इज इक्वल टू 9। जी, आज हमने देखा कि इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है, इक्वेशन क्या होती है और डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए YouTube पर और Google पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।